अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जुमा मुबारक सबको, और ईद मिलादुन्नबी भी सबको मुबारक हो। ठीक है, आज जुमे का दिन है और ईद मिलादुन्नबी भी है, तो आज मैंने चलो वीडियो भी बना लें कि माशाल्लाह से बर्ड्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है, और सॉफ्ट फूड भी बनाऊंगा अभी, और आप लोगों को साथ दिखाऊंगा कि मैं क्या सॉफ्ट फूड यूज़ करवा रहा हूँ बर्ड्स को, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले पहले सॉफ्ट फूड बना लेते हैं, फिर आपको बाकी बर्ड्स की प्रोग्रेस भी दिखाते हैं। ठीक है, ये हैं इंग्रेडिएंट्स पापे। पिछली वीडियोस में मैंने, जो आपने शायद मेरी वीडियो देखी थी पिछली लास्ट, उसमें असल में शॉर्ट बर्ड्स का बहुत ज़्यादा था, शायद आपको समझ नहीं आई थी, तो आज मैं ट्राई करता हूँ उसमें कुछ डिफरेंट। देखिए, पहले जो था जब मैं यूज़ करवा रहा था उस टाइम थोड़ा सा गर्मी थी, इसलिए उसमें मैं धनिया भी यूज़ करवा रहा था, पुदीना भी यूज़ करवा रहा था, तो इस वजह से वो ठंडी चीज़ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनको भी मैं यूज़ करवा रहा था। तो अब जैसे कि मौसम चेंज होता जा रहा है, तो अब आपने जो है ये पुदीना और धनिया का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खीरा भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, कि गर्मी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, लौकी ले ली हमने, ठीक है, लौकी को चॉप करते हैं। लौकी चॉप कर लिए अच्छी तरह से, ठीक है। आज इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए, आज सिर्फ मैं लौकी ली है, गाजर ली है और चिकंदर, ये तीनों चीज़ें पावरफुल हैं। चिकंदर और गाजर आपको पता है कि कितनी पावरफुल ताकतवर चीज़ है। अब इनको भी मैं चॉप कर रहा हूँ, वो वीडियो इसलिए ना, कोई और साथ वीडियो बनाने वाला नहीं है, इसलिए मैं चॉप नहीं कर सकता एक साथ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके चॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से गाजर को क्रश कर लिया, इसी तरह अब चुकंदर जो है इसको क्रश करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर निकला है, चुकंदर, गाजर और लौकी। अब आ गया जी बॉयल एग, फुल बॉयल एग किया हुआ है, इसको क्रश करते हैं इसके साथ। अब इसमें अंडा भी मैंने डाल दिया, अब आ गई, काफ़ी कुछ हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पापे, ताकि थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाए। ये होता है जब आप क्रश करते हैं तो ये बिल्कुल थोड़ा लिक्विड लिक्विड टाइप सा हो जाता है ना, तो ये पापे है थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, जब्स कर लेते हैं, तो बर्ड खाते भी बड़े शौक से। जो मैंने शेड्यूल पे डेली बेसिस पे आप देखें यूज़ करवा सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर यूज़ नहीं करवाया तो प्रोग्रेस पे फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं होती। आप जो है जिस तरह आपके पास कहीं पर टाइम होता है तो वो डेली बेसिस पे यूज़ करवा सकते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के भी एक दिन यूज़ करवा सकते हैं आप। और जिस तरह पानी की रूटीन मैंने आपको बताई थी, अपने जो मैंने आपको डाइट प्लान में बताया था, वो भी आप एक दिन दो दिन पानी सादा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये सिरका भी पड़ा हुआ मेरे पास, ये दे सकते हैं ये पानी में सिरका भी, आप हफ्ते में एक दिन या दो दिन यूज़ करवा सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो आपने मगर देने लाजमी है, ऐसे सिरका भी देना है, कैल्शियम्स भी देने हैं, ये चीज़ें लाजमी देते रहें डेली रूटीन। ये नहीं है कि हर शेड्यूल जो मैंने बताया उसी को फॉलो हर टाइम, बस वही करना है, आप उसको चेंज भी करके यूज़ करवा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक दिन नहीं यूज़ करवाया तो कोई मसला देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको अच्छी तरह आपने क्रश करना है, ये देख सकते हैं कितना मज़े का बन गया, शानदार। इंसान के देख के मुंह में पानी आ रहा होता तो बर्ड्स को तो माशाल्लाह से इंजॉय सही करते हैं इसको। अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, हाथों से भी कर सकते हैं इंसान। अब ये देख सकते हैं प्रॉपरली हो चुका है मिक्स, ताकि ना ड्राई ड्राई हो गया, देखिए ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, क्योंकि वरना इस वेजिटेबल्स होते हैं आपस में चिपक जाती हैं, तो इस वजह से फिर वो बर्ड्स जो है ना इतने शौक से नहीं खाएंगे। ये हो गया,
अब ये पालक मैंने रखी हुई है, पालक की लीव्स मैं जो है ना वैसे ही डाल दूंगा अलग से। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, एवियन। एवियन है बहुत ताकतवर चीज़ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। एवियन 400 mg, इसका लिक्विड निकाल के मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा। ये बहुत ज़्यादा एक तो ताकतवर चीज़ है, ठीक है, और सेकेंडली क्या है कि इसकी वजह से जो है बर्ड्स की खुशबू बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, बर्ड बहुत शौक से खाते हैं सॉफ्टवुड। 4 के फूल मैंने इस पर ऐड कर लिए, अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर दें। इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, आप कभी इसको जिसने जिन लोगों ने यूज़ कराया होगा उनको पता होगा कि इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, बर्ड बड़े शौक से खाते हैं इसको। अब ये थोड़े पत्ते हैं मैं ये डाल रहा हूँ, पालक भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ यहाँ बर्ड्स को यूज़ करवा, ठीक है, आपने एक एक स्पून या उससे ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैं इसी तरह लेता हूँ थोड़ा सा, जिस तरह कलोनी वाले हैं उनको ज़्यादा थोड़े क्वांटिटी में डाल देता हूँ। ट्रे साफ होती हैं, ठीक है, तब मैं डाल रहा हूँ। डेली बेसिस में सुबह मैंने भी ट्रे साफ़ किए हैं, देखें पूरा शर्ट जो धोया है, ट्रे साफ होती हैं डेली, फिर मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। अब इनके नीचे बच्चे हैं, इनको भी सारा क्वान्टिटी में डाल रहा हूँ। ये नया पेयर आया एक कॉकटेल का, अब इनके बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में देना क्योंकि वो उन्होंने बच्चों को खिलाना होता जाके। देख सकते हैं माशाल्लाह से बर्ड्स इंजॉय कर रहे हैं। अब कुछ काफ़ी लोग होते हैं जिनके बर्ड्स नहीं खाते, उनको ये करना चाहिए आप दाना निकाल लें, कम से कम अपने बर्ड्स करना 2-3 घंटे के लिए दाना निकाल लें, फिर ऑटोमेटिकली आपके बर्ड्स उसको इंजॉय करेंगे। अब देख सकते हैं मेरे बर्ड्स कैसे एकदम मैंने डाला है वो आगे खाने के लिए, वो देख सकते हैं। प्रोग्रेस दिखा देता हूँ कुछ आपको, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, इसके नीचे चिक्स हैं माशाल्लाह से, ठीक है। इनको मैंने सॉफ्ट फूड ज़्यादा डाला हुआ है, 16 नंबर डब्बे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकल आए। ठीक है, इसी तरह 17 नंबर में भी बेबी निकला है माशाल्लाह से, ये जावा है। इसके नीचे भी बेबी है माशाल्लाह से, मार रही है, ठीक है। फिशर है, तीन बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से, मेरा एग्जीबिशन का सबसे अच्छा पेयर मैंने लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसने भी एग्लिंग कर दिया। कॉकटेल का बेबी है माशाल्लाह से, ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो रही है इसकी माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं कितना हेल्दी है, क्या नेचुरल डाइट। ये कॉकटेल है, इसने भी माशाल्लाह से नया ले आया था, एग ले कर दिया था मगर हिला नहीं हुआ, इसलिए बैठ नहीं रहा एग्स पे। नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर लेके आऊँगा मैं स्प्राउट्स के ऊपर, स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, वो बताऊँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। देखें मैंने नेचुरल डाइट डाली और मेरे बर्ड्स माशाल्लाह से खा रहे हैं सब, ठीक है। और कुछ नए पेयर्स आपको दिखाने थे, ये वॉलेट का पेयर है, अब
भी देख सकते हैं। फिंचेस भी इंजॉय करिए, माशाल्लाह से इन्होंने भी ब्रीड की हुई है, डब ने भी ब्रीड की हुई है माशाल्लाह से। मैं डब को भी डालता हूँ ये सॉफ्ट फूड ताकि बर्ड हर तरह का बर्ड खाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लगाऊं तो आप लोग उसको देख सके और आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।